तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एलजी का एक ट्वेंटी एट एट लीटर का कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव के बारे में तो चलिए दोस्तों आज इस माइक्रो ओवेन को रिव्यू करते और पूरा फीचर्स आप लोगों को बताते तो इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते तो गाइज आप लोग देख पा रहे ट्वेंटी एट लीटर का एक कन्वेक्शन माइक्रो है तो गाइज इसमें तीन ठो तो फैसिलिटीज है माइक्रो मोड है कन्वेक्शन मोड है और ग्रिलिंग मोड है ये तीनों मोड इस माइक्रोव में मिल जाएगा तो चलिए हम इसको विस्तार में बताते हैं और इसका फैसिलिटीज क्या है और इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट मिलेगा अंदर का कैपेसिटी कैसा है वो भी हम आपको खोल के दिखाते हैं सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यह है इसका टच पैनल बोर्ड क्योंकि इसी बोर्ड से आप अपने मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअली ठीक है तो गाइज इसमें देखिए नीचे ए जो है ए स्टॉप ऑन क्लियर बटन है ए आपका स्टार्ट बटन है और साथ ही साथ इसमें प्लस माइनस का बटन भी दिया हुआ है और इसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है देखिए 10 सेकंड से 10 मिनट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं माइक्रो आपको मोड मिलेगा ग्रिल मोड मिलेगा और कन्वेक्शन मोड मिलेगा और साथ ही साथ कॉम्बी मोड आप दोनों मोड एक साथ चलाना सक, चला सकते हो तो चला पाएंगे इसमें ये फीचर्स दिया हुआ है और साथ ही साथ बहुत सारा ऑटो कुक मेन्यू दिया हुआ है देखिए यहाँ पर जो ऑटो कुक मेन्यू है वो भी यहाँ पर ले दिया हुआ है और यह है आपका डिस्प्ले बटन आप जो टेम्परेचर को सेट करेंगे टाइमिंग को सेट करेंगे उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक बहुत अच्छा क्वालिटी का एक हैंडल क्योंकि ये हैंडल को खोलने में आपको आसानी होगा तो देखिये इसको जब ऐसे पकड़े ऐसे करेंगे तो ये खोल जाएगा ये है इसका अंदर का स्पेस अंदर में आपको जो प्लेट और जो आपका सामान मिलेगा चलिए उसको निकाल अंदर का स्पेस हम दिखाते हैं देखिए अंदर का स्पेस क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है स्टेनलेस स्टील का है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है देखिए इधर देखिए पूरा हम घूम घूम के दिखाते हैं और यहाँ पर जो आपका प्लेट है जो कांच का प्लेट है यह बैठेगा और इसके अंदर आप इसके ऊपर आप कोई भी मटेरियल देके इसको, इसको आप कुकिंग कर सकते और इसको साफ सुथरा करने में भी, भी आसानी होगा तो ये देखिए बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी है और साथ ही साथ इसके अंदर ऊपर में आपका जो मेनू है मेनू का दिया हुआ है आप चाहे तो यहाँ से पढ़ के आप अपने मेनू को तैयार कर सकते हैं बहुत ही अच्छा और ब्लैक कलर का है तो इसको आप परचेस करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे के रखे है तो गाइस इसमें यहाँ से परचेस कर सकते हैं इसका दाम भी बहुत ही कम है दस से पंद्रह हजार के अंदर आपको मिल जाएगा तो आप प्राइस चेक करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से चेक कर सकते हो तो गाइस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा